बट अगर आप बात करें टीम हाइड्रा की, वो भी यहाँ पर रुकने वाले हैं नहीं, दो फिनिशेस निकाल चुके हैं। पीछे से शॉट आएंगे, रेटन को डाउन की जगह डब्ल्यूएलपी, दे आर डन, दे आर डन फॉर दिस मैच। एक अपॉर्चुनिटी उनके पास थी, बट हाइड्रा ऑफिशियल के ड्रैगन्स एक बार फिर से आ चुके हैं इस पूरे बैटल ग्राउंड को तहस नहस करने के लिए। मैन एडवांटेज, जोन एडवांटेज, सब कुछ हाइड्रा ऑफिशियल के पास। जी हाँ, ब्लाइंड इसी बीच में देखिए खतरे में वो है, रेवेनेंट भी काफी खतरे में रहेंगे क्योंकि चारों खिलाड़ी जहां हाइड्रा के हैं, रेवेनेंट के एक लौते प्लेयर सिंप और ब्लाइंड के लौते प्लेयर आदि, यही दोनों खिलाड़ी है जो हाइड्रा को रोक सकते हैं इस मैच में। तो वो मुमकिन नहीं होगा अनलेस ऑफ कोर्स एक मिराकुलस परफॉर्मेंस दिखाते हैं इनमें से कोई एक लौते खिलाड़ी। सिंप के ऊपर गाड़ी लेके चलने वाले हैं, देखते उतर देखते सिंप एक को डाउन करेंगे, लेकिन उनके अलग एंगल से दो खिलाड़ियों को नॉकआउट किया जाएगा। दूरा दूर से कवर फायर देते हुए नजर आएंगे आखिरी खिलाड़ी आदि बचते हैं ब्लाइंड के। ब्लाइंड का डेफिनेट एक कमबैक हमें देखने का मौका मिल रहा है, बट ये नेड कुक किया जा रहा है। शायद आइडिया नहीं है यहां आदि को कि डोरा ऑफ एंगल पे मौजूद है, अगर आइडिया है तो उनको राइट हैंड साइड चेक करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। नेड कुक किया जा रहा है, सही जगह पे पड़ने का इंतजार है, राइट हैंड साइड नेड वो डाल रहे हैं, लग रहा है कि वहां से खिलाड़ी हट चुके हैं, लेकिन हाइड्रा वो डटे हैं और डोरा ओपी आ रहे हैं। देखिए पीछे से डोरा ओपी, उनको आइडिया भी क्लियर है कि आदि कहां पर मौजूद है, गाड़ी लेके स्प्रे गॉड उनके ऊपर चढ़ने वाले हैं जरूर, लेकिन ये टीबीएस पे स्विच करते हैं या फिर नहीं मैं देखना चाहूंगा। आदि एसक्यूएल के उनके पास, तो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है अभी आदि के ही ऊपर। तीन खिलाड़ी उनके सामने, नेट कुक किया जा रहा है, क्या जाते जाते एक को वो लेके जा सकते हैं या फिर नहीं, लग तो नहीं।